आपसे जानना चाहेंगे सर, क्या मामला है, पूरा क्या हादसा हुआ है? इज्जत नगर में नगरीय परिषद एरिया में सूचना मिली थी जिसको के एक टंकी का टॉप टावर कोलैप्स हुआ है। तुरंत पुलिस और जो फायर की रेस्क्यू टीम है वो यहाँ पे पहुँची है। अभी जो ड्यूटी रजिस्टर से अवलोकन किया है हम, उसमें से 8 मजदूर घायल हैं जो कि हॉस्पिटलाइज करे गए हैं। 2 मजदूर उनको कैरी करके वहाँ लेके गए हैं। बाकी पुलिस की टीम और एम्बुलेंस वगैरह दी गई है। उसके अलावा जो बाकी मजदूर हैं उनकी अटेंडेंस ली गई है, उसमें या तो घर पर मौजूद हैं या फिर यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा हम फिर भी फायर से एक बार चेक करवा ले रहे हैं कि ऊपर एहतियातन कोई मजदूर या कोई व्यक्ति तो नहीं रह गया है, उसके लिए फायर सर्विस चेक कर रही है। कितने मजदूर हैं यहाँ पर जो काम कर रहे थे और कितने को रेस्क्यू किया? ड्यूटी रजिस्टर में 21 बताए गए हैं जिसमें से 8 हॉस्पिटलाइज। तो क्या काम यहाँ पे काम चल रहा था टंकी में निर्माण का? टंकी पे चेक कर काम चल रहा था, वो नगर निगम के अधिकारी बेहतर तरीके से बता पाए।